भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महिला मोर्चा के नेतृत्व में गुरुवार को गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में भाजपा की संस्थापक सदस्य त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति राजमाता श्रद्धेय विजया राजे सिंधिया की जन्म जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय सिंधिया जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किए एवं मिठाई बांटकर उनकी जन्म जयंती मनाया। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी ने अपने संबोधन में कहा कि राजमाता विजय राजे सिंधिया जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। राजसी वैभव को किनारे कर उन्होंने देश को ऊपर रखा। उनके जीवन के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में उनकी बड़ी भूमिका रही। उस दौर में भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक लाया है। सही मायने में इस वर्ष राजमाता सिंधिया जी को यह सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ ने कहा कि राजमाता सिंधिया सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजघराने से होने के बावजूद भी राष्ट्र धर्म को आगे रखते हुए राजनीति में आई और भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी स्थापना में अहम सदस्य के रूप में रही। कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के प्रति सभी महिलाएं प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र लिखेंगी, जिसको डाक के माध्यम से उन्हें प्रेषित किया जाएगा। इस अवसर पर यहां पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, संजू देवी, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, गुड़िया देवी, फूलो देवी, अंजना यादव, तारा देवी, पिंकी सिंह, सोनिया कौशिक, भाजपा नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, यदुनंदन पाठक, संजीत सिंह, कन्हैया ओझा, अशोक सिंह, राजकिशोर साव, गोविंद तुरी, ज्योतिष शर्मा, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, वीरेंद्र वर्मा, सुभाष साव, प्रकाश दास, संजय सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा, जिला महामंत्री मोहम्मद रियाज, उपाध्यक्ष मोहम्मद जहूर अंसारी, ओम प्रकाश गुप्ता, रंजन सिन्हा, गोपाल विश्वकर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। विधायक निर्भय शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में हम सभी महिला मोर्चा के बहनों राजमाता विजया राजे जी की सिंधिया जी का जयंती मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय शाहबादी जी उपस्थित हुए। राजमाता सिंधिया जी हम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महिलाओं को जो सो प्रेरणा देने का काम किया है कि किस प्रकार बड़े घर में होने के बाद भी उन्होंने सादगीपूर्ण जो सो राज नेता बनी और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद एवं सत सत नमन करती हूँ। एवं आज जो है सो हम लोग महिला मोर्चा की तमाम बहनें जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक जो बिल पारित हुआ उसके लिए हम महिला मोर्चा की तमाम बहनें जो है सो आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख करके और उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।